झुंझुनू के गुड़ाकोट जी के समीप खींवासर पंचायत के झाछड़ियों की ढाणी में शहीद राजेश खेदड़ की प्रतिमा का समारोह पूर्वक अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर थे। वहीं सांसद नरेंद्र कुमार तथा पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने शहीद प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद शहीद के पिता हनुमानाराम, माता व वीरांगना सुशीला देवी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए बाजोर ने शहीदों को देवता की तरह पूजने का आह्वान किया। वहीं सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद और सैनिक परिवारों के लिए काफी कुछ किया है, जिससे उनका सम्मान बढ़ा है। तो इस देश का बदामियों से ना आपका हमारा भरोसा, तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना कि इनको धर्म के साथ जोड़े, जाल जोड़ में उतारे, देवताओं की तरह से इनको पूजे, ये आपका हमारा सबका कर्तव्य। और इतने लोग यहाँ विराज रहे, आपको सबको प्रार्थना करता हूँ कि आस पास में जितने भी लोग रहते, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, शहीद की कोई जाति नहीं होती, शहीद होने के बाद में वो देश का देवता है, देश की धरोहर है। सबको एक जाजिम पे बैठ के तय करना चाहिए कि अपने यहाँ से कोई भी बिराज चलेगी तो सबसे पहले दूल्हा यहाँ शहीद के लोग लगाएगा, इसके बाद आगे बिराज जाएगा। जब दूल्हा लेके अपने वापसी आएंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दूल्हे दोनों यहाँ शहीद के लोग लगाएंगे, उसके बाद घर में प्रवेश करेंगे। ये इस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों को भेंट करती है, इनकी धर्म के प्रति आस्था भी ज्यादा होती है। आपको मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार एक नारियल लाके अपने घर पे रख लेना, मन में तय कर लेना कि हमारी ठीक हो जाएगी, दूध देगी तो हम आपके शहीद के नारियल चढ़ाएंगे। यदि ठीक नहीं हो, फायदा नहीं मिले तो मत चढ़ाना, पर मैं गारंटी से कह रहा हूँ एक बार आप प्रयास करना, फायदे ही फायदे हैं या नुकसान ही। हम लोग होली और दीपावली किसके साथ मनाते हैं? हमारे परिवार के साथ मनाते हैं, सभी परिवार के साथ मनाते हैं, कोई काम छुट्टी लेके आता है, और देश के प्रधानमंत्री भी अपने परिवार के साथ मनाता है। उसका परिवार कौन है? जो सैनिक है, सीमाओं पर उनके साथ होली और दीपावली मनाना था, वो भी अपने परिवार किसको समझ रहा है? जो देश की रक्षा करते हैं उन सैनिकों के साथ मनाता है। जितना मान सम्मान मोदी जी ने सैनिकों को बढ़ाया है, शहीदों का बढ़ाया है, उतना शायद ही आज किसी ने आज बढ़ाया होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारे सामने खेला कूदा, आप बालाजी को पूछते हो, कोई गोगू जी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, अलग अलग देवताओं को पूछते हो, और किसी को हम मेरे हिसाब से जानते नहीं है, किसी को किसी ने देखा नहीं, सुना है, और वो कोई शहीद नहीं हुए, वो केवल अच्छा काम करके गए समाज में, इसलिए हम उनको पूछते हैं। लेकिन हमारे सामने खेला, हमारे सामने फला, हमारे सामने माता जी बैठी, इनकी कोख से जन्म लिया, इनके पिताजी बैठे, इनकी बच्चियां बैठी, और किन के साथ पढ़ा हुआ है, किसके साथ सर्विस की है, जो हमारे प्राण दे गया देश के लिए, हमारे लिए रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हुए प्राण दे दिया, तो उससे बड़ा देवता कौन है?